अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जहां भारत समेत दुनिया भर में योग को लेकर कई कार्यक्रम हुए, वहीं उत्तर प्रदेश में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर शवासन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक के साथ योग भी किया। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में नाराज किसान मोदी सरकार के विरोध में शवासन करते हुए सड़कों पर लेट गए। किसानों ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। देश के प्रधानमंत्री 3 साल में किसान से तो मिल नहीं पाए और लखनऊ में जाम लगा के योगा सिखाने आए हैं किसानों को। किसान तो सुबह 4 बजे रात से लेकर 10 बजे रात तक के योगा करता है। हमें फसल का वाजिब दाम चाहिए और ये नाटक कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, किसानों का मुद्दे से दिमाग हटा रहे हैं। ये नाटक बंद करें, किसान योगा खेत में करता है दिन रात। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने पहले ही किसानों से देश भर में शवासन कर योग दिवस का शोक दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने का ऐलान कर चुकी है, मगर अभी तक इसकी कोई रूपरेखा सामने नहीं आई है। किसानों को इस बात पर भी गुस्सा है कि सरकार ने सिर्फ 1 लाख रुपए तक के ही कर्ज माफ करने की बात कही है, जबकि यूपी का किसान इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।